नमस्कार। नमस्कार, आपको एक तो धन्यवाद देना है कि आपने ऐप से जुड़ गए हैं आप जी। दूसरा, आपने जो आपको समझाया था वो आपने नहीं किया है, तो क्या आपको समझ में नहीं आया है? क्या किया नहीं किया, हमने तो सब कुछ किया, लोगों को जोड़ रहे हैं, अभी एक ही जुड़ पाया है जी, ये नहीं, है। ऐसे नहीं जोड़ना है इसको। प्रक्रिया को समझेंगे तो 9 दिन में चमत्कार हो जाएगा। हम 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे और 9वें दिन 90 करोड़ लोग जुड़ेंगे जिन्हें किसी को नहीं जोड़ना है। तो बिना किसी को जोड़े आप 90% के क्लब में आ जाएंगे। 9 करोड़ लोगों को ही 10 लोगों को जोड़ना है, तो 10 लोगों को जोड़कर आप 99% के क्लब में आ जाएंगे। केवल 90 लाख लोगों को 20 लोगों को जोड़ना है, तो यदि आप 20 लोगों को जोड़ लेंगे तो आप 99.9% के क्लब में आ जाएंगे। तो एक बार मैं फिर से समझाता हूँ कि इस सरल उपाय में देखो ना, तो आपको चक्का जाम करना पड़ रहा है, ना कोई जुलूस निकालना पड़ रहा है, ना कोई धरना देना पड़ रहा है, ना कहीं लगाना पड़ रही है, और आपको महापरिवर्तित भारत भी मिल रहा है और ताज भी आपको मिल रहा है। आप बताइए गोविंद गुप्ता जी, यदि हम सब लोग मेहनत से लग जाएंगे और लोगों को 9 दिन के उपाय के तहत लोगों को यदि जोड़ेंगे तो हमें सांसद का टिकट खुद चल के मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? मिल जाएगा। अभी आपकी जो दिक्कत है कि साहब हमें प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है, अपने आप मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? हाँ, वो तो मिल जाएगा सर। यदि आप 82 लोगों में आ गए तो केंद्रीय मंत्री बन जाएंगे। आपको केंद्रीय मंत्री बनने के लिए किसी के सामने हाथ जोड़ना पड़ेगा क्या? नहीं। तो फिर इतने आसान उपाय के तहत सिर्फ 9 दिन 10-10 लोगों को सूची बनाकर जोड़ने का जो हमने प्रक्रिया समझाई है, एक बार फिर से हम दोहराते हैं कि पहले आपको जो है अपनी प्रोफाइल में जाकर अपने आइडेंटिटी कार्ड के नीचे जो शेयर ऑन व्हाट्सएप लिखा हुआ है उसको क्लिक करना है। तो कम ऐप के द्वारा जनरेटेड मैसेज जो है वो रेडी हो जाएगा भेजने के लिए। आपको 5 लोगों को सिलेक्ट करके सेंड करना है, फिर बैक करके दूसरे नए 5 लोगों को सिलेक्ट करना है, फिर सेंड करना है। ये प्रक्रिया आपको तब तक दोहराना है जब तक सभी लोगों के पास आपका मैसेज ना पहुंच जाए। इतनी बात समझ में आ गई क्या? जी बिल्कुल आ गई है। अब आपको 9 दिन तक 10-10 लोगों का सूची बनाना है जो आपके अपने घर के लोग हों, जो आपके अपने रिश्तेदार हों, जो आपके अपने मित्र हों, जो आपके अपने पड़ोसी हों, जो आपके साथ विभिन्न संगठनों में समुदायों में वर्षों तक काम किए हों, ऐसे मात्र 10 लोगों की सूची बनाना है, वो भी प्रतिदिन, वो भी 9 दिन तक, राइट? फिर आपको उसको फोन लगाना है और कहना है कि हमने व्हाट्सएप पे आपको मैसेज भेजा है, उसे खोलिए और क्लिक करके क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है ना? मिशन ऐप को, अपराध मुक्त भारत मिशन ऐप को डाउनलोड करके उसे अपना फोटो डालना है, अपने बारे में 2 लाइन लिखना है और जिस एरिया में रह रहा है उसका पोस्टल पिन कोड लिख के जैसे ही वो सबमिट करेगा वो क्राइम फ्री भारत मिशन का सदस्य बन जाएगा और ऐप के द्वारा ऑटो जनरेटेड मैसेज उसे अपने ही ऐप के प्रोफाइल में मिल जाएगा। तो जब ऐप को खोल के वो प्रोफाइल में जाएगा जो कि नीचे दाहिनी ओर सबसे है, उसको क्लिक करके आपको अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखेगा और उसके नीचे शेयर ऑन व्हाट्सएप दिखेगा। तो आप व्हाट्सएप को क्लिक करके 5-5 के ग्रुप में तब तक बांटते रहिए जब तक सभी तक ना पहुंच जाए। ये कर पाएंगे आप? जी बिल्कुल। आपको 9 दिन का सरल उपाय करना है कि 10-10 लोगों की सूची बनाना है, उनसे बात करना है, उनसे कहना है कि अपने व्हाट्सएप को खोलिए, हमने आपको अपराध मुक्त भारत मिशन ऐप की लिंक भेजी है, इसे आप डाउनलोड करिए। और इसी तरीके से वो भी व्हाट्सएप पे सबको शेयर करेगा और 10 लोगों की सूची बनाएगा। यदि ये काम हम 9 दिन तक कर देंगे तो आप 100 करोड़ हो जाएंगे। यदि माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं और 100 करोड़ लोग छत पर चढ़कर थाली बजाकर दीपक जला के माननीय नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना करेंगे, उसे मानने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी बाध्य हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? गोविंद जी बताइए, बाध्य हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हाँ हाँ बिल्कुल। और इसके बाद जितने भी विधानसभा के चुनाव होंगे उसमें जो है चंद्रगुप्तों को ही टिकट मिलेगा और जो वो जो है 100 करोड़ लोग पीछे खड़े होके उनको जब जिताएंगे तो मुझे बताइए कि
सभी पार्टियों के सभी राजनेता पराजित हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हाँ या नहीं? वो तो हो ही जाएंगे। तो इतना सरल इतना सरल उपाय हमें पूरी मेहनत से क्यों नहीं करना चाहिए? मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ इसे आप करें, तत्काल करें, ठीक है? चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव।